वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज, सबसे पहले बताइए कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज माही का बर्थडे है गाइज, और माही गई है स्कूल। माही आने के बाद उससे मिलवा दूंगी मैं। माही स्कूल गई है, अद्विक स्कूल गया है, मिहिका आज घर पर है तो मिहिका के साथ ये पूजा कर रहा है। और आप लोगों को तो पता ही है मिहिका इनके साथ कितने अच्छे से रहती है। ये पूजा कर रहे थे तो वो भी पूजा कर रही थी। जहाँ पर भी जाओ पीछे 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 इतने ज़्यादा मतलब इनके साथ अच्छे से रहती है, इनके साथ खेलती है, बाहर लेके जाने के लिए बोलती है, बहुत मज़ा आता है उसे इनके साथ। तो यहाँ पर बस यही इनका वही चल रहा है जो सुबह का इनका रूटीन होता है। सुबह उठते हैं, नहा धोते हैं, फिर उसके बाद पूजा करते हैं, ड्यूटी जाते हैं, उसके बाद शाम का प्रोग्राम होगा। शाम को माही जैसे बोलेगी वैसे ही होगा उसके हिसाब से, जहाँ पर बोलेगी वहाँ पर ही और जैसे बोलेगी वैसे ही। तो अभी माही के स्कूल के आने का वेट कर रहा है, माही स्कूल से आ जाए उसके बाद फिर हम लोग बर्थडे की प्लानिंग करेंगे। जो तब तक मैंने उधर चाय भी रख दी है, चाय बना रही हूँ। और उसके बाद आज नाश्ते में है उकड़ पिंडी। किस किस को पता है उकड़ पिंडी, मैंने इससे पहले बहुत बार शेयर कर दी है इस चैनल पे, तो बताना ज़रूर। और मैंने बताया था आटे की बनती है, कैसे बनती है रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी, बहुत बार शेयर की हुई है। हमारे साइड की फेमस है, मतलब इधर पे स्टाइल उकड़ पिंडी, तो वही बनाई है। और आज यार अभी ना क्या बोलते हैं, डीमार्ट का सामान भी ख़त्म हो गया है, ग्रॉसरी बहुत सारी ख़त्म हो गई है, ग्रॉसरी भी लानी है, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उपमा के लिए सूजी भी नहीं थी, और पोहा बनाते तो पोहा भी नहीं था घर पे, तो इसी वजह से उकड़ पिंडी बनानी पड़ी। एक्चुअली अभी हम लोग उधर गए थे ना गोवा, तो उधर से इतने दिनों के बाद आए, मतलब 15 दिन तो हम लोग उधर ही रहे, 15 दिन के बाद हम लोग यहाँ पे आए, तो उसके बाद जो ग्रॉसरी पूरी ख़त्म थी तो पता ही नहीं चला। अभी यहाँ पर उकड़ पिंडी निकाल लेती हूँ कल्याणी मैं, और हम लोग मतलब ये हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। चाय भी रख दी है साइड में बनाने के लिए, तब तक वो भी बनती रहेगी। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइज, हाय गाइज, आज नए मेंबर ने आपको वेलकम किया है चैनल पे, तो वो है मिहिका। तो मिहिका आई हुई है घर पे क्योंकि आज है माही का बर्थडे, और माही के बर्थडे पे जो आपने विशेस किए हैं, उसको जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था ना उसके ऊपर जो आपने इतने सारे कमेंट किया है, उसके लिए बहुत बहुत बड़ा थैंक यू आपके लिए, क्योंकि आप इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए भी। तो चलिए, आपने स्पेशल बना दिया है माही का बर्थडे, मैं उसको सारे कमेंट्स पढ़ के बताऊंगी जब वो स्कूल से आ जाएंगे तब। और अभी मिहिका को लगी है भूख, तो मैं मिहिका के लिए खाना बना रही हूँ। फॉर्मूला मिल्क बनाती हूँ मिहिका के लिए, क्योंकि अभी मिहिका बड़ी हो चुकी है, तो मिहिका को मम्मी का दूध कम पड़ रहा है ना। देखो कैसे हंस रही है। अरे, 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 अरे 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 अरे, खाना मिलने की खुशी में। चलो यहाँ पे बैठो, अभी मिहिका यहाँ पे बैठेगी, ये लो ये पकड़ो ये पकड़ो। और आप लोग पूछते रहते हो ना मिहिका इतने एक्टिव कैसे है, उसका राज भी आपको बताती हूँ। वो है डेक्सोलैक, हम लोग उसे डेक्सोलैक खिलाते हैं, तो अभी इसे मैं बनाने वाली हूँ। कैसे बनाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कैसे बनाया जाता है, बहुत लोगों ने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने ना मिहिका को 3 मंथ से ही स्टार्ट कर दिया था। तो फॉर्मूला मिल्क में ये स्टेज होते हैं, हम लोगों ने मिहिका को उसकी मम्मी का दूध और क्या बोलते हैं स्टेज 1 ये खिलाना 3 मंथ से स्टार्ट कर दिया था, 3 मंथ के ऊपर जब हुई थी मिहिका। बिफोर 6 मंथ स्टेज 1, 6 to 12 months 2 stage, और यहाँ पे लिखा है 3, 12 to 18 months के लिए, और 4 stage है 18 to 24 months के लिए। मतलब स्टेज 1 से ही हम लोगों ने उसे स्टार्ट कर दिया था, तो उसका पेट अच्छे से भर जाता है। और अभी इसको बनाना कैसे है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। मम्मी का दूध ही बच्चों के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट होता है, बट हर टाइम हम लोग मम्मी का दूध नहीं पिला सकते, जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो सफर में हम लोग मम्मी का दूध ज्यादा नहीं होता है, तो उस टाइम हम लोग फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, या तो फिर जब मम्मी का दूध ही नहीं है, मम्मी को बहुत कम है या दूध बंद हो गया है, तो उस टाइम हम लोग फॉर्मूला मिल्क देना स्टार्ट कर सकते हैं। इसे तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज से ही स्टार्ट कर दिया था, मतलब 3 मंथ्स के बाद ही स्टार्ट कर दिया था, तो उसे प्रॉब्लम कुछ भी नहीं गया।
कभी भी वो चिड़चिड़ी नहीं हुई, कभी वो ऐसे खाने के लिए नहीं रोती है, क्योंकि उसका पेट हमेशा अच्छे से भरा हुआ रहता है ना। जब बच्चों का पेट अच्छे से हमेशा भरा हुआ रहता है तो वो कभी भी चिड़चिड़े नहीं होते हैं, कभी भी खाने के लिए नहीं रोते हैं। जब बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं तो आप समझ जाना कि उनका पेट भरता नहीं है, इसी वजह से वो बहुत चिड़चिड़े हो रहे हैं या बहुत ज्यादा रो रहे हैं। अमेरिका को भूख लगी है, जल्दी से बना देती हूँ मैं। सबसे पहले आपको 240 ml पानी लेना है, उसे अच्छे से बॉईल कर लेना है, उसके बाद उसे गुनगुना होने तक छोड़ देना है। उसके बाद उसमें आपको 8 scoop फॉर्मूला मिल्क के ऐड करने हैं और उसे अच्छे से घोल लेना है, मतलब उसमें जो लम्स है वो ना रहे, और अच्छे से घोलने के बाद आप उसे बच्चों को पिला सकते हो। वैसे इस फॉर्मूला मिल्क को देने की सलाह हमें मीका के डॉक्टर ने ही दी थी, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट ने, और मीका को ये बहुत पसंद आया, तब से हम लोग उसे ये कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें बच्चों के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व है और ये रिजनेबल भी है, और आप देख पा रहे हो कितने मजे से वो ये पी रही है और बहुत ही एंजॉय करती है इसे पीते हुए। इसमें 36 वाइटल न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, आयरन एंड प्रोटीन, और इसमें FOS भी है, उससे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, और कॉन्स्टिपेशन ना होने की वजह से बच्चे रोते भी नहीं है। ये मीका को बहुत ज्यादा पसंद आने की वजह से हम लोगों ने कभी इसे चेंज भी नहीं किया। अगर आपके भी बच्चे बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं ना, तो आप डेफिनेटली ये डेक्सोलैक का फॉर्मूला फूड उन्हें दे सकते हो। अगर आपके बच्चे फर्स्ट स्टेज पे है तो वहां से स्टार्ट करिए। अगर आपको नहीं पता था इसके बारे में और अभी पता चला है तो आप देना चाहते हो, अगर आपके बच्चे कोई भी स्टेज में हो तो वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। डेफिनेटली आप देना स्टार्ट करिए, बच्चों का जो चिड़चिड़ापन है या आपके बच्चे बहुत ज्यादा रोते हैं वो सब कुछ बंद हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे वो। अगर आपको चाहिए हो, आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हो, तो लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप ऑफलाइन खरीदना चाहते हो तो कोई भी मेडिकल शॉप में आपको ये वाला फॉर्मूला फूड मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो और आप ट्राई करिए, देखिए अपने बच्चों को देखिए, उनका पेट भरा रहेगा तो वो आपको परेशान भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे, डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। कैसे रहा स्कूल आपका? मस्त था। तो आज पार्टी है फिर? हाँ। जम के? चलो फिर आओ। अरे भगवान। अद्विक, आप गिफ्ट क्या देने वाले हो आज दीदी को? सीक्रेट है? अरे मुझे तो बता दो, बर्थडे आज ही है ना? आज लेकिन तो बर्थडे है। ओ ओ, चलो फिर ओके। ये क्या था? शिनचैन स्टाइल। ये क्या है? चलो मुझे हाथ पकड़ दो। उनको हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू। कैसा रहा आज का दिन स्कूल में? बहुत मस्त था। कल की अपनी शॉपिंग कहाँ पे? अरे वो ड्रेस का थोड़ा सा काम करना बाकी है उसका। क्या बाकी है उसका बता? थोड़ा सा उसका वो चेंज करवाना है, मतलब पैड चेंज करवाना है। कल ब्लैक और वो दोनों दिखाई दे ना मुझे। वही है वो, उसमें से ब्लैक वाला है। अच्छा, आपको वो कौन सा पसंद है? अभी यही है, ब्लैक ही पसंद है। मैं तो बोला था दोनों ले लो करके। दोनों एक दिन में कैसे? लेकिन आपको जो पसंद आया था वही उसको भी पसंद आया था मुझे, बट वो बोल नहीं पा रही थी। मेरी जो चॉइस है ना, मेरी हर तरह मिलती जुलती है, मम्मा से भी मिलती है और मेरे से भी मिलती है और आपसे भी मिलती है। चलो फिर अपन काम करके आते हैं उसका। रघुवीर में केक लेने आया है माही के चॉइस का, और माही डिसाइड करेगी उसको केक कौन सा चाहिए। बताओ कौन सा चाहिए? पर्पल। फिर कौन सा चाहिए बताओ? केक्स तो बड़े प्यारे हैं, वो देखो वाइट। हाँ अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है। ये पूछो एक मिनट, कौन से फ्लेवर का है ये पूछो पहले। कौन सा फ्लेवर का केक है? पाइनएप्पल चाहिए क्या? ये पाइनएप्पल चाहिए, दिखने में वैसा चाहिए ये। ठीक है फिर ले ले, पक्का कंफर्म वाला केक ले लिया यहाँ का हम लोगों ने, माही के चॉइस का। छोटे बच्चों जैसे कैप चाहिए? ले लो जो भी चाहिए अभी आपको। हाँ, इसमें से कौन सी कैप पसंद आई आपको? ले लो फिर, देखो
स्वीट लेना है ना माही का फेवरेट काजू कतली। काजू कतली ये कहाँ गई काजू कतली? काजू कतली बिना वर्क की, वर्क वाली चाहिए ना, वर्क वाली। ले लो। हाँ हाँ बाद में लेके जाएंगे। चलो वो वाला भी है अपना। चलो वैसे केक हम लोगों ने बुक करके रख दिया था, वो हम लोग जाते जाते ले लेंगे। और घर पे आते ही घर का जो काम चल रहा है वो दिखाती हूँ आपको। आप लोग पूछ रहे थे ना कि बेडरूम का काम कहाँ तक आया है, तो वो यहाँ तक आया है डियर। मतलब अभी देखो बेड का जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अभी ये पैनलिंग हो रही है और यहाँ का भी, फिर भी नहीं तो 8 दिन तो लगेंगे ही ऐसा लग रहा है मुझे, मतलब फिनिशिंग होते होते। तो यहाँ तक आ चुका है, अभी अपना काम चल रहा है। अभी ये धीरे धीरे कर रहा है, थोड़ा सा ये फिनिशिंग का काम है अच्छे से, तो इसीलिए, नहीं तो फिर जब वो कटाई वटाई का काम होता है तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैं इधर वंस अगेन हैप्पी बर्थडे माही। इस तरह से रेडी हुई है, अभी ये हम लोग करने वाले हैं ऑक्शन माही का, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लूँ। अभी निकलने वाला है थोड़ी देर में, एक कैफे में जाने वाले हैं, वहाँ पर माही ने अपने फ्रेंड्स को बुलाया है और हम लोग बस 2-4 फ्रेंड्स आने वाली है उसकी और हम लोग होने वाला है। तो ऐसे करके हम लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं माही के बर्थडे का और बस ऑक्शन कर ले, उसके बाद हम लोगों को निकलना है। तो माही का कहना है कि एक कैफे है वहाँ पर करना है उसका बर्थडे सेलिब्रेट, तो वहाँ पर जाएंगे हम लोग और फिर उसके फ्रेंड्स वगैरह भी आएंगे कुछ, और फिर हम लोग उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। बच्चे अभी बड़े हो गए हैं ना, तो सिंपल सा बर्थडे चाहिए होता है उनको। अभी वैसे तामझाम वाला बर्थडे अच्छा नहीं लगता है, जैसे घर पे बलून वगैरह फुलाते हैं और उसके बाद वो डेकोरेशन करते हैं, ये सब उसको पसंद नहीं है। वैसे भी उसको ज़्यादा ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, ज़्यादा मतलब ये क्या बोलते हैं तामझाम पसंद नहीं है उसका। बस ऐसा है कि कहीं होटल में चलो सेलिब्रेट करो बर्थडे, बट उसको ये है कि सब लोग चाहिए उसके बर्थडे पे। और इस बार कोई भी बर्थडे पे नहीं था ना उसके, तो जैसे उसके नाना नानी नहीं थे, घर वाले नहीं थे, कोई भी नहीं था। इस बार दीपाली की डिलीवरी की वजह से कोई नहीं आ पाया, नहीं तो वो बिना बुलाए ही आ जाते। इतना टेंशन नहीं है मेरे घर वालों का, आपको तो पता ही है कि हमेशा वो बच्चों की खुशी के लिए आ जाते हैं, बट इस बार कोई भी नहीं था ना, तो थोड़ा सा वो नाराज़ थी। यहाँ पे बस कल्याणी थी, तो उसको वो तो भी अच्छा लग रहा था कि कल्याणी है, मतलब वो एक मामी तो भी थी उसकी यहाँ पे। नहीं तो कैसा है कि पापा मम्मी दीपाली विवेक ये सब लोग आ जाते हैं ना, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। बाकी आंटी वगैरह भी कभी कभार आ जाती है, तो अच्छा लगता है बच्चों को कि उनके बर्थडे पे सब लोग हो और सब लोग मिलके उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या कर सकते हैं, उनके भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, रीज़न है उनका जेन्युइन, इसी वजह से हम लोग उनको भी नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से और कैफ़े में जाते हैं। चलिए अभी निकलते हैं। सबसे पहले तो रघुवीर जाना है, वहाँ से हमें माही का बर्थडे केक लेना है, क्योंकि हम लोगों ने बुक तो करके रखा था बट लिया नहीं था। क्या बोल रही है? पापा पापा अद्विक हो गए हो? अच्छा चलो, ये गाड़ी निकाल रहा है, अभी निकल रहे हैं हम लोग अद्विक। चलो चलो इतना सर्व सामान वगैरह नहीं। चलो अभी निकल चुके हैं हम लोग। डांस शुरू है इकडे तो। काय डांस? ओहो चलो बर्थडे स्पेशल डांस। दीदी का बर्थडे है, ये है केक। दीदी चा केक आणला, दीदी चा केक।
दीदीचा हॅपी बर्थडे आहे. माझ्यासाठी काय तुझ्यासाठी घरी काजू घातली. कोणाचाही बर्थडे असला की ते आदविकचे तसंच आहे. मुझे लगा एक्सीडेंट हो गया. हाँ एक्सीडेंट हो गया. तू एक्सिडेंट करणार आहेस. माई को उस पर दया आ रही है. मजदूरी करवा रहे हो बोलते मेरे फ्रेंड से. माई उसका पर्स नहीं है क्या? वो आपके लिए थोड़ा सा करना नहीं. मिल गया. अच्छा अच्छा ठीक है जाओ बैठो. चलो दे दो ऑर्डर. हाँ दे दिया ना. पेपर से हार्ड लग रहा है. ऑर्डर देना मध्ये बिझी होते. साइड में कर दू. ते देऊन दे. Thank you.
चाहिए मैं अपने पास रखूंगी। ये किसने दिया? अच्छा पूर्वा ने। मस्त, एक नंबर। ये पीछे पकड़ सकता है क्या कोई? पीछे? अरे मी घे चल मग। चला चल लवकर जा, त्याचा नेहमीचा डायलॉग, लवकर जा। चलो हो गया सब कुछ, निकल रहे हम लोग। नाही ना तसं नाही म्हणत, तसं नाही म्हणत तू। माही कैसा लगा आपको आपका बर्थडे? चलो ब्लॉग को एंड कर दो। हाँ करो करो, आज आपका दिन है। कैसे करते मतलब जो आपके स्टाइल से करो। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे अभी बाद में मिलेगी, बाय बाय। और म्यूडी म्यू बाय। गाइस मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।